हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट जो है कंपनी भी ट्रेंडिंग है इस समय और ये प्रोडक्ट भी ट्रेंडिंग है, यानी कि मैं लाई हूँ बनाना पाउडर। तो बनाना पाउडर बहुत ट्रेंड कर रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा लोग बनाना पाउडर यूज़ कर रहे हैं। और जैसे पहले लोग कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, फिर लूज पाउडर आया और इस समय बनाना पाउडर बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं वीडियोस में और फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और इस समय जो कंपनी इस समय बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब पे दिखेगी या सोशल मीडिया पे दिखेगी, वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स। तो मैं लाई हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का बनाना लूज पाउडर। तो बनाना पाउडर बेसिकली एक लूज पाउडर ही है, और ये जो है आप मेकअप को अपने फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, बेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका बॉक्स जो है मुझसे फट गया है, मुझसे क्या वो फटा हुआ मिला था। तो ये है बनाना पाउडर इनसाइड का, जो कि 40 ग्राम की पैकिंग में है और इसका MRP है 225 रुपीज़। 225 इसका MRP, और आपको ये डिस्काउंट में हर जगह मिल जाएगा, लोकल स्टोर पे भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं आजकल तो, और साथ में आपको ऑनलाइन भी डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। और मैं इसकी खास बात बता दूं कि ये जो है बहुत अच्छी पैकिंग में है, और जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा है, तो वो स्टिकर आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे होल्स बने हुए हैं। तो मैंने स्टिकर नहीं रिमूव किया है, मैंने पिन होल्स किए हैं ताकि बहुत बड़े बड़े होल्स ना हो, प्रोडक्ट ज़्यादा ना निकले। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो यहाँ से ही इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, तो आप अगर ब्रश से अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने स्कैप में निकाल के और ब्रश से अप्लाई कर लीजिए। और फिर अब इस पाउडर का टेक्सचर देखते हैं, तो ये बहुत ही स्मूथ सा पाउडर है और कुछ कुछ येलोइश है, और तो प्रोडक्ट जो है बहुत ही छूने में अच्छा है और कुछ येलो टोन दे रहा है। तो अगर आप बनाना पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको बनाना पाउडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपका पिंक अंडरटोन है यानी कूल अंडरटोन है तो आपको बनाना पाउडर सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये येलो टेक्सचर में है और स्किन में एक वाइटनिंग इफेक्ट देगा जो आपके जो पिंक टोन है उसको सूट नहीं करेगा। अगर आपका वार्म अंडरटोन है यानी आपकी स्किन येलोइश दिखती है तभी आपको ये पाउडर अच्छा लगेगा आपके स्किन पे। बाकी इसका फिनिश बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हैं कि कलर में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, देखने में लग रहा है कि जैसे काफ़ी फेयरर स्किन है, लेकिन ये जो है कैमरे में ठीक लग रहा है, बट आप जब इसको अप्लाई करेंगे अगर आप येलो अंडरटोन के हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप पिंक अंडरटोन के हैं यानी आपका चेहरा पिंकिश दिखता है तो ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो उसके लिए आप जो है रोज़ पाउडर के लिए जा सकते हैं, चाहे वो पॉन्ड्स का हो चाहे वो लैक्मे का हो, बट बनाना पाउडर आपके लिए नहीं बना है। तो और बनाना पाउडर इज यूज टू कलर करेक्ट एंड गिव्स द स्किन वार्म, हाईलाइट, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल, सेट मेकअप एंड रिड्यूस द अपेयरेंस ऑफ फाइन लाइन्स। तो इन सब पर्पज़ के लिए ये यूज़ हो सकता है, बट कलर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलर आपका क्या है, आपका अंडरटोन क्या है। हाउ टू अप्लाई लिखा है, इट इज़ अप्लाइड आफ्टर फाउंडेशन एंड कंसीलर टू सेट मेकअप, यूज़ ब्रश और स्पॉन्ज टू अप्लाई ऑन योर अंडर आइज, नोज एंड चीक्स, अलाउ टू सेट एंड डस्ट अवे द एक्सेस पाउडर। इंग्रीडियंट्स हैं इसके टैल्क है, मीथे डायमेथेकोन है, कॉर्न स्टार्च है, एल्युमिनियम स्टार्च है, जिंक स्टेरेट है, माइका है, ऑक्टिल पल्मिटेट, आयरन ऑक्साइड्स हैं और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। तो इतनी चीज़ें से मिली है, इसमें कहीं भी बनाना का नहीं लिखा हुआ है, इसमें स्टार्च लिखा है बट वो स्टार्च किस चीज़ का है ये चीज़ मेंशन नहीं है। मैंने कई वीडियोस में देखा कि लोग बोलते हैं ये बनाना का बना हुआ है, बट इसमें कहीं बनाना स्टार्च नहीं लिखा है, सिर्फ स्टार्च कॉर्न स्टार्च लिखा है, तो बनाना का इसमें कुछ भी नहीं है।
तो आप इस मिथ में मत रहिए कि ये बनाना का बना हुआ है, बनाना को ड्राई करके ग्राइंड करके और फाइनली ग्राइंड करने के बाद इसको बनाया गया है, तो ये बनाना का कतई नहीं बना हुआ है, ये कॉर्न स्टार्च का बना हुआ है और इसमें और सारे केमिकल सब मिले हुए हैं। तो ये एक नॉर्मल सा पाउडर है जो कि येलो टोन के लिए है और मेकअप को सेट करने के लिए है। तो जितना और मैं लेके आई थी रिव्यू करने के लिए, और मैंने रिव्यू करके मतलब पर्सनली रिव्यू करके चेक किया कि मैं डस्की टोन की हूँ और मेरा अंडर टोन जो है पिंकिश है, तो मेरे स्किन टोन पे ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। तो अब अगर आप डार्क स्किन टोन के हैं और पिंकिश है तो आप इसको मत खरीदिएगा, और अगर आप येलो स्किन टोन के हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शॉप पे इनसाइट की शॉप पे जाके वहाँ पे आप टेस्ट करके तब चेक करके ले सकते हैं कि आपको सूट करता है कि नहीं। अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन के होंगे तो आपको भी सूट करेगा, क्योंकि वार्म और कूल के अलावा एक न्यूट्रल अंडरटोन भी होता है, तो अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं तो आपको ये सूट करेगा, आपके स्किन पे सही लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आपका बहुत इच्छा है कि आपको यूज करना है इसको, तो आप इसको अपने हाई पॉइंट्स पे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा और आपके हाई पॉइंट्स और हाईलाइट होंगे, तो इस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं पीछे वो भी देखना ज़रूरी है। तो ये जो है पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, वीगन है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये वीगन है, इसमें किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ है और क्रुएलिटी फ्री है, यानी कि कोई भी तरह की एनिमल टेस्टिंग इसमें नहीं हुई है और FDA अप्रूव्ड है, रिसाइकल है और साथ में 100% मेड इन इंडिया है और 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।